ये बात मैं पता नहीं कैसे बोल पा रहा हूँ, बट बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आ चुका है। डिफरेंस नहीं है दोस्तों, जो पबजी है वही BGMI है। प्ले स्टोर पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे प्ले बटन आ गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मूडी कॉर्ड्स। गाइस, फाइनली बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अर्ली एसेस हो चुका है। इसका मतलब कि जिन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी करवाई थी, उनकी अब जो प्री रजिस्ट्रेशन उनकी रजिस्टर थी जो गेम, वो अब उनकी फाइनल अपडेट हो चुकी है। इसका मतलब कि ये अब उनके प्ले स्टोर पे जो गेम है उनको वहाँ पे खेलने का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। इसका अब वहाँ पे प्ले बटन जो है उनका वो अब वहाँ पे मिल रहा है। गाइज, जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का प्ले बटन है वो वहाँ पे इसलिए उनको दिख रहा है क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जो लकी पीपल होंगे, उनको ही बस ये प्ले बटन था वो देखने को मिला। और गाइज, आप भी मुझे कमेंट करते हैं कि आपको जो प्ले बटन आपको देखने को मिला या फिर नहीं। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर कि भाई रिलीज तो होगी मगर इसमें अब ऐसी क्या खास चीज़ें हैं। गाइज, सबसे पहले तो आप इसका प्रीव्यू ले लीजिए कि आपको पता चल सके हाँ कि जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वो सही में लॉन्च गाइज होने वाली है, मगर जो उसका रिसेस है वो अब हमें अवेलेबल वहाँ पे मिलेगा। तो अब सबसे पहले आप प्रीव्यू देखिए। गेम का साइज 700 MB है और जितनी चीजें अगर आपको चाहिए वो आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी, डाउनलोड का सेक्शन आ जाएगा जो भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो गाइज, अब आपको इतना तो पता चल गया कि जो गेम है वो लॉन्च हो चुकी है बहुत ही कम यूजर्स के लिए, धीरे धीरे करके ये बाकी यूजर्स के लिए भी है वो लॉन्च हो जाएगी। अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पर कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं। गाइस, सबसे पहले चेंज तो ये है कि इसमें जो मैप है वो इसका चेंज थोड़ा सा हुआ है। मैप में गाइस, जो पहले मैप थे पबजी में वो तो इसमें रहेंगे, मगर अब इसमें और थोड़े से मैप जो हैं वो ऐड ऑन हो चुके हैं। और अब सेकंड गाइस, सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे ये उठता है कि हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र है वो होगा या फिर नहीं होगा। गाइस, घबराने की कोई भी बात नहीं है, जिसका डाटा ट्रांसफ़र है वो होगा, 100% श्योर है। और वो गाइस 31 दिसंबर 2021 तक ही होगा, उसके बाद आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा इस गेम में। गाइस, जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वो एक तरह की पबजी है, पबजी मोबाइल सारे फीचर्स उसके वही हैं, बस थोड़े से इसमें फीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन हुए हैं। और मुझे ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो इसके सर्वर्स हैं वो नहीं चेंज कर सकते, मतलब कि हमें जो गेम है वो सिर्फ इंडियन पीपल के साथ ही खेल सकते हैं, बाहर के पीपल हमें नहीं देखने को मिलेंगे। ये गेम सिर्फ इंडियन सर्वर्स के बीच में खेली जा सकती है जो इसका मल्टीप्लेयर मोड है। और गाइस, इसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ पबजी मोबाइल का ही वर्जन है सारा कुछ, बस थोड़े से फीचर्स के साथ हमें ये देखने को मिलती है। इसमें जो ब्लड है वो रिमूव किया गया ताकि इसका जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सेफ्टी भरा दिखाया जा सके। भाई, बहुत ही बातें उठ गई थी एकदम से कि भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है। लॉन्च गाइस ये हो जाएगी, बहुत ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि अगर इसका अर्ली सेस आ गया तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी बहुत ही करीब होगी गाइस। तो गाइस, इसका अर्ली सेस बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स में देखने को मिलता है कि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने इसका अर्ली सेस हमें दिखाया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी गाइज कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब किए रहना जाना ताकि ऐसे और भी अमेजिंग अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू गाइज़।